हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो अपेंड को लेकर के है। आप जैसे कि जानते हैं कि पाइथन में हम इस समय टपल डेटा टाइप के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले मैंने फंक्शन के बारे में भी बताया है आपको पाइथन में। तो आज का ये वीडियो अपेंड को लेकर के, अपेंड मेथड को लेकर के, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन की आईडी ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं पाइथन की आईडी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर फाइल पे जाते हैं और न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ, चूंकि ये जो अपेंड है ना लिस्ट में ही यूज होता है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ पाइथन, और इन सबको सिंगल इंटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखूंगा। तो ये सिंगल इंटेड कॉमा दे दिया हमने, ओपन किया, फिर क्लोज किया, और फिर यहाँ पे कॉमा दे दिया। तो पहला पाइथन का है, दूसरा है जावा, ठीक है। और यहां पर भी कॉमा रहेगा, सिंगल इंटेड कॉमा से इसे सेपरेट करते हुए हम लिखेंगे चूंकि। तो ये हो गया जावा, और फिर एक बच गया है जावास्क्रिप्ट, कर लेता हूं जावास्क्रिप्ट। तो यहां लिख देता हूं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने तीन जो है चीजों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, तीन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं। पहला है पाइथन, दूसरा है जावा, और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। और लिस्ट की पहचान होती है ये स्क्वायर ब्रैकेट। आप देख रहे हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट जो बना हुआ है, अगर यही स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूं और ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दूं तो ये बन जाता है टपल, ठीक है। तो अभी अपेंड मेथड का यूज करना सीखेंगे। तो अभी इसको मैं प्रिंट करवा देता हूं। तो यहां प्रिंट पे जाते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप यहां सिंगल इंटेड कॉमा या डबल इंटेड कॉमा में ए यानी वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए ही प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां से इसको पहले सेव कर लेता हूं। इसको सेव करता हूं yy.py तो देना जरूरी, क्योंकि पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब यहां रन पे जाके डायरेक्टली से रन करा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे ए प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंगल इंटेड कॉमा या डबल इंटेड कॉमा नहीं देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ना तो सिंगल इंटेड कॉमा ना तो डबल इंटेड कॉमा, सिर्फ आप वेरिएबल का नाम भर लिख दीजिए और इसे कर दीजिए सेव। तो देखेंगे कि ये सारी चीजें प्रिंट होकर आने लगेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी चीजें प्रिंट होकर आ रही है। पहला था पाइथन, दूसरा था जावा, तीसरा था जावास्क्रिप्ट, ठीक है। क्या इसे सिंगल इंटेड कॉमा या डबल इंटेड कॉमा हटा दें तो नहीं प्रिंट होगा ये? तो यहां से सिंगल इंटेड कॉमा हटा देता हूं, ठीक है, यहां से भी हटा देता हूं। तो क्या ये प्रिंट होगा, ठीक है, ये भी एक सवाल जरूर मन में होगा आपके। तो यहां से सारा जो सिंगल इंटेड कॉमा है वो हटा देता हूं, सिर्फ कॉमा देकर लिखता हूं, फिर देखिए क्या होता है। यहां पर आए, इसको भी हटा देते हैं यहां से, ये लास्ट वाला है और ये फर्स्ट वाला है। तो इन सबको हटा दिया हमने, और अब यहां से फाइल पे जाके इसे सेव कर लेता हूं। अब इसको एक बार रन करवाता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं कि एरर आ रहा है, ठीक है, यहां पे एरर आ रहा है। अगर मैं इसे ऐसे भी लिख दूं यानी बिना स्पेस के लिख दूं तो भी ये देखिए इस तरह से ये एरर देगा, ठीक है, और नेम एरर करके आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंगल इंटेड कॉमा देना जरूरी है। तो यहां पर सिंगल इंटेड कॉमा दे दिया, या डबल इंटेड कॉमा भी दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर सिंगल इंटेड कॉमा या डबल इंटेड कॉमा आप दे दीजिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है अगर आप यहां से कॉमा हटा देंगे, ये कॉमा हटा दिया हमने, ठीक है, और फिर यहां से ये भी कॉमा हटा दिया, ओके, और यहां से अब ये लास्ट में जाके इसे क्लोज कर दिया, ओके, और अब इसको सेव करता हूं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये रन हो जाएगा, देखिए ये रन हो रहा है और एक ही में ये प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। अगर यहां पे बीच बीच में आप गैप दे देते हैं तो क्या होगा, तो यहां पे देखिए ये गैप दे दिया हमने, और फिर यहां पर आए और यहां पर भी गैप दे दिया हमने, और अब यहां से इसे सेव कर लेता हूं और फिर यहां से रन पे क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने दिया था बिल्कुल उसी तरीके से ये आ रहा है। तो सिंगल इंटेड कॉमा या डबल इंटेड कॉमा देना जरूरी है, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब बात कर लेते हैं अपेंड की, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो हमने एक लिस्ट बनाई है इसमें हम कुछ और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको भी अपेंड कर दें। तो अपेंड करने के लिए क्या करना होगा, यहां पे यूज करना होगा वेरिएबल का नाम। तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम है ए डॉट, और यहां लिखता हूं अपेंड, ये अपेंड हो गया, ठीक है। और अपेंड करने के बाद यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे उसका नाम जिसे हम अपेंड कराना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें अपेंड करना चाहता हूं HTML, तो यहां लिख दिया हमने HTML, ओके, और इसे सिंगल इंटेड कॉमा में लिख दिया, ये लिख दिया सिंगल इंटेड कॉमा में, ओके। और अब इसको ब्रैकेट कर देता हूं क्लोज, और अब यहां से फाइल पे जाके इसे सेव कर देता हूं, ठीक है। तो अभी देखिए पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट प्रिंट होकर आ रहा था, अब देखता हूं क्या होता है। तो अभी भी यही प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन इस प्रिंट को हटा करके इसको कट करता हूं, और इसको जो अपेंड किया हमने
उसको ऊपर लेके आता हूं और अब यहां पर प्रिंट फंक्शन लगाते हैं और यहां से इसे सेव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे HTML भी प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है, यहां पे HTML भी प्रिंट होकर आ रहा है। अगर इस वाले ब्रैकेट को आप हटा देंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो ये हटा दिया हमने, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहां से जब मैं रन करवाऊंगा तो ये प्रोग्राम हमारा ठीक से चलेगा नहीं और नेम एरर आएगा, ठीक है। तो सिंगल इंटेड कॉमा या डबल इंटेड कॉमा देना जरूरी है, यहां पर डबल इंटेड कॉमा भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये हमने कर दिया। अच्छा, अपेंड एक ही वैल्यू को लेके आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसमें आप दो या तीन दे दीजिए तो वो भी लेके आ जाएगा ये, ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं। चलिए यहां पे अपेंड किया है, HTML कॉमा दिया, यहां पे लिखता हूं डेल्फी, ये डेल्फी लिखा, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये भी लिख लिया आपने। और अब यहां से इसको सेव करता हूं, अब इसको रन करवाते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं कि एरर आ रहा है, ठीक है, टाइप एरर आएगा जब आप दो वैल्यू देंगे, तो एक ही वैल्यू ये लेगा, दो वैल्यू नहीं लेगा। तो उम्मीद करता हूं ये अपेंड वाली वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।